नमस्ते दोस्तों, तो मैं कितने की स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एक्सप्रेस पे। तो आज हो गई है दोपहर अभी, और अभी जा रहे हैं हम, अभी अचानक से प्लान बना है तिलवाड़ा दुनगरी देवी घूमने। तो आज आपको दुनगरी देवी के दर्शन कराते हैं, तो चलते हैं देवी के दरबार में। तो गाइस, अभी पहुँचे हम रामपुर में, और यहाँ पर भात वगैरह खाएँगे। अभी टाइम हो गया है, तो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कोई पता नहीं है, लेकिन सामान सामान लेके निकलते हैं अब आगे। तो गाइस, अभी पहुँचे हम सीसो में, और ये रहा काफ़ी सुंदर जगह है, और अभी चलते हैं आगे। अभी तो बहुत गांव है, पाली है, मूसा डूंगी, आगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया गांव है आगे, तो दिखाते हैं आप। तो गाइस, अभी हम हैं दुराए पे, ये ऊपर जो जा रही है ये पाली के लिए रोड जा रही है, और आगे जा रही है सीधा सोड़ के लिए जा रही है सीधे आगे। और देख सकते हो बरसात में क्या ज़बरदस्त टूटा हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। मैं पता नहीं कैसे जा पाएंगे, देखते हैं, अगर जाया जाएगा तो ठीक, अदरवाइज़ वापस जाना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं, चलो निकलते हैं आगे। तो गाइस, हम निकले हैं सीधा सोड़ की तरफ, और काफ़ी भयंकर रोड है, और जगह जगह बहुत तगड़ा टूटा हुआ है। आगे बहुत सारे गधेरे हैं यहाँ पर, पानी की बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और ये रहा आगे, गज़ब है नज़ारा, बहुत गज़ब है। पूरे पहाड़ पे आगे गांव ही गांव हैं, और काफ़ी बड़े बड़े गांव दिख रहे हैं यहाँ पे भी, बढ़िया है। और यहाँ पे गांव के एक बेहतर खूबसूरती ये है कि यहाँ गांव में, हर गांव में एक एक बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत ही गज़ब मंदिर बना रखे हैं आजकल। ये पूरा गाँव, ये पूरा मंदिर वाला कार्यक्रम जो है कि लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी, एक मंदिर वहाँ पर है और एक नीचे गाँव में है, और आगे भी हमें दो मंदिर दिखे थे। तो काफ़ी मंदिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है इस साइड, तो अभी चलते हैं आगे सीधा सोड़, अभी देखते हैं आगे। इस यहाँ पे गधेरे भी बहुत ही ज़्यादा हैं, देखो परमानेंट नालियों में परमानेंट पानी आ रहा है जो कि, और चलते हैं फिर अभी आगे, टाइम भी हो ही गया है, बस घूमते हैं बस थोड़ा। तो गाइस, अभी हम हैं पाली में, और ये देखो बहुत सारे गाँव हैं यहाँ पर, पाली है, दुनगढ़ है, और आगे आगे वो आगे सीधे तिलवाड़ा दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारी जगह है। देखो पूरा देखो प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पे, बहुत ही गजब है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है, यहाँ पे हमें स्थानीय महिलाएं मिली हैं, दादी लोग, वो बता रहे हैं आगे गांव के बारे में, काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी बढ़िया, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। पहली बार आए हूँ लेकिन बहुत ही गजब लगा मुझे यहाँ पर। और देखो क्या घाटी है आगे पूरी, वो मंदाकिनी नदी बह रही है, और आगे तिलवाड़ा दिख रहा है, और ये पूरे बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे, पूरी घाटी है ये, और ऊपर की तरफ भी काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, भी काफ़ी बढ़िया है पूरी। तो गाइस, अभी निकलेंगे हम दुनगरा देवी के पास, और टाइम ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी निकलेंगे, निकलते हैं दिखाते हैं आपको दुनगरा देवी। काफ़ी प्रचलित देवी है, काफ़ी लोग जाते हैं देखने, काफ़ी फेमस है, और कहते हैं कि मनोकामना पूरी कर देती है देवी, तो चलते हैं देवी के पास आज। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हम दुनगेड़ देवी, जो कि आगे वो जंगल के बीच में जो मंदिर है वहाँ पर है, और ये है कुकरू का सैन, यहाँ का नाम है कुकरू सैन, जो कि बहुत ही अटपटा नाम है, बहुत खतरनाक जगह है ये है, और यहाँ पे गजब का फील्ड है आगे जहाँ पे वॉलीबॉल चल रही है, और ये देखो पूरा व्यू, देखो काफ़ी गजब का व्यू है, काफ़ी अच्छा जगह घुमा रहा हूँ आपको, और ये देखो जहाँ से हम आए हैं बहुत ही प्यारी जगह लग रहा है। और अभी हमें जाना है आगे दुनगरी देवी को, जो कि वो रही वहाँ पर बीच में है, काफ़ी नज़दीकी है लेकिन दूर लग रहा है यहाँ से काफ़ी, तो अभी चलते हैं उधर। सुना है कि काफ़ी प्रचलित, काफ़ी फेमस देवी हैं, और काफ़ी भीड़ तो नहीं होगी इस टाइम, सुबह रहती है उनके पास, तो अंदर से देखने को कहते हैं कि बहुत ही गजब है, और कहते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं, जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है लोग मन्नत मांगने आते हैं, हम तो ऐसे ही नॉर्मली घूमने आए हैं, क्योंकि यहाँ से कोई फ्रेंड है जिनका गाँव वहाँ आगे पड़ता है, तो वो हमको घुमाने लेके आए हैं, तो आपको भी हम दिखाते हैं अगर आपको आना होगा। देखते हैं फिर मंदिर में क्या है कैसा है, और मंदिर का अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं,
तो अभी मिलते हैं आगे मंदिर पे, तो मिलते हैं मंदिर पे। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं दुनगरी माता जी के पास, और ये यहाँ पे है पीछे हमारे, देखो बहुत ही प्यारा मंदिर है, चौखट में है, राउंड शेप में। तो देखते हैं अभी माता जी के पास चलते हैं, और आप सभी के लिए भी मैं माता जी से दुआ करूँगा कि सबका मंगल हो। और चलते हैं अभी माता जी के दरबार में, उनके चरणों में माथा टेकते हैं और मांगते हैं उनसे एक छोटी सी विश। तो चलते हैं माता जी के पास, तो चलते हैं। ये है मंदिर, और अभी मंदिर के प्रांगण में एंट्री करेंगे। एंट्री गेट उधर से है ना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जगह है, ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे मेला वगैरह भी होता है यहाँ पे है। मेला होता है तो ये है एंट्री गेट है, काफ़ी बढ़िया जगह है जो मैं आजकल में देखने आया। ये है माता का दरबार, बहुत ही भव्य है। और चलो आओ 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 अंदर जाके देखते हैं, बहुत ही प्यारा है यार ये तो, बहुत बहुत प्यारा। तो ये है मेन गेट, चलते हैं देवी जी का आशीष लेने। माँ का प्रांगण है, तो फाइनली हम दुनगरा माता जी को देख रहे हैं। ये है माता रानी का स्वरूप, जो कि माँ काली स्वरूप है। और ये है पूरा मंदिर, ये है प्रतीक्षणा पथ। ये माता की प्रतीक्षा करने के लिए फाइनली देवी के हमको दर्शन हो गए हैं। बहुत ही विकराल रूप में है देवी यहाँ पे, जो कि आप खुद ही देख लो, विकराल स्वरूप में है देवी। ये है देवी का पूरा प्रांगण, काफी बड़ा है और काफी अच्छा है घूमने के लिए, तो काफी बढ़िया है यहाँ पे। और ये है प्रतीक्षणा पथ है, लंबा और चौड़ा है। तो माता रानी के आपने दर्शन कर ही दिए होंगे, और ये भक्तों ने यहाँ पे माता रानी को समर्पित किए हैं, ढाल घंटियाँ। ये है पूरा, और ये पीछे पूरा फील्ड है, और पूरा अभी शाम का टाइम है तो लोग आए हुए नहीं है, लेकिन सुबह लोग काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, और जो माता जी अंदर विराजती है। तो आपने देख ही लिया होगा, दर्शन कर ही लिया होगा। तो काफ़ी टाइम हो गया है, माता से विदा लेते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। जय माता दी। दिसोड़ में अभी ये ऊपर रास्ता है इंटर कॉलेज से दिसोड़ का, और अभी फाइनली दर्शन हो गए हैं माता रानी के, तो अभी वापस चलते हैं। तो ये हैं भैया, और इनका घर इधर ही की साइड पड़ता है, और इनका पहले से यहाँ आना जाना काफ़ी है, इनका इंटर कॉलेज भी यहीं पड़ता है। तो यही हमको इन्होंने कहा कि यहाँ पे देवी के दर्शन करने चलो, और इन्हीं के सजेशन से हम यहाँ पे देवी के दर्शन आए। बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी दर्शन करके। तो फाइनली अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब होने वाला है, तो
घर की तरफ निकलते हैं। तो चलो घर की तरफ, काफ़ी दूर है ये भी, तिलवाड़ा मार्केट से काफ़ी दूर है, तो निकलते हैं हम। वैसे तो बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है बाहर निकलना, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अभी घर की तरफ। तो ये मंदिर और ऊपर इंटर कॉलेज है, यहाँ से दिखता नहीं है बट इस जंगल के बीच ही में है, और ये छोटा सा ग्राउंड है, इसी में मेला लगता है यहाँ पे। कब लगता है भैया मेला यहाँ पे? यहाँ पे लगता है बैसाखी में, बैसाखी का मेला लगता है यहाँ पे, और देवी के दरबार में। तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो गाइस अभी हम हैं जो खोली पौधालय में, और यहाँ पे क्या गजब क्यारी बना रखी है, काफ़ी नीचे तक है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। और देखो क्या गजब, पता नहीं काय काय के पौधे हैं, शायद आंवले के हैं और बाकी फूल वगैरह कुछ दूसरे पौधे हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया बना रखा है। तो चलते हैं अभी, भाई साहब कंडाली लग गई थी यहाँ, तो निकलते हैं। तो वापस ही में पहुँच गए हम अभी, जनता इंटर कॉलेज देवीधार में है, मालखाचोरी है यहाँ का नाम, और यहाँ पे हैं हम जो कि विकासखंड जो कोली में पड़ता है। तो अभी निकलते हैं घर की तरफ, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 6:30 हो गया है, निकलते निकलते अंधेरा हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया व्यू है, जाना तो हमने नीचे था इंटर कॉलेज में, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो चलते हैं अभी वापस ही, तो मिलते हैं आगे अभी। तो गाइस अभी पहुंच गए अगस्त मुनि में, और अभी बज गए हैं 8:15 हो गए हैं, अभी थोड़ा बहुत ही मार्केट खुला है, तो चलते हैं अभी फिर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और गाइस कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।